हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आज जो मैंने लेसन लिया है क्लास 9, बुक नेम इज बिहाइव, लेसन नेम इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसमें वी विल सी द स्टोरी ऑफ ए जीनियस साइंटिस्ट। कैन यू गेस हु इज दैट साइंटिस्ट? आई टेल यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट। साइंस वर्ल्ड का एक ऐसा नाम जिसके बारे में दुनिया आज भी कहते हैं उनके ब्रेन में डिस्कवरी की जा रही, इन्वेंशन किया जा रहा है कि इनका ब्रेन कैसे बना था। तो आइए उन्हीं के बारे में आज सीखते हैं। आपके क्लास 9 में है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के नाम से, एंड इसमें बता रहे हैं कि ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में ही वॉज बॉर्न। एंड व्हेन ही वॉज बॉर्न, उनकी मम्मी ना उनको फ्रीक सन की थोड़ा सा एबनॉर्मल मानती थी, ये बच्चा नॉर्मल तो नहीं होगा। रीजन, उनकी खोपड़ी हेड साइज में बहुत बड़ा था यार, तो उनकी मदर कहती थी ये जरूर फ्रीक होगा अल्बर्ट। और सेकंड, टू एंड हाफ ईयर यानी ढाई साल तक ही डिडंट स्पीक ए सिंगल वर्ड। आइंस्टाइन ने एक भी शब्द नहीं बोला और उसके पेरेंट्स बहुत वरीड हो गई, क्या हो रहा, व्हाट्स हैपनिंग, मेरा बच्चा क्या बोलेगा नहीं क्या। लेकिन फिर एक दिन वो बोलते हैं, और उनके बोलने की स्टोरी एक ओटो न्यूगेबोर नामक फेमस हिस्टोरियन थे मैथमेटिक्स के, वो बताते हैं कि एक सफर, जब वो शाम को सफर ले रहे थे अपना भोजन, तो सफर टेबल पर नाइट में वो कहते हैं उनका फर्स्ट सेंटेंस, द सूप इज टू हॉट, यही पहला सेंटेंस बोले थे, द सूप इज टू हॉट, मतलब सूप हद से ज्यादा गर्म है, बहुत गर्म है। तो उनके पेरेंट्स है, उनके लोगों ने पूछा, भाई आज तक आपने क्यों नहीं बोला एक भी सेंटेंस। तो आइंस्टाइन ने कहा, अल्बर्ट ने कहा आज तक एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, मुझे बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि जब वो बोलना शुरू किए, व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्टार्टेड द होल वर्ड या सेंटेंस टू टाइम्स, दो बार बोलते थे हर सेंटेंस को। कहने का मतलब जो पिछला नहीं बोल रहे थे सब कंप्लीट कर रहे थे मैथ्स के हिसाब से। ही वाज जस्ट, तो ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। तो बस ये उनकी स्टोरी, जर्नी स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद वो जब पढ़ने जाते थे तो वहां एक हेडमास्टर थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये चाहे कोई भी प्रोफेशन अपना ले, लेकिन ये अपनी पूरी जीवन में, मैं लिख के दे रहा हूं, He will never succeed. टीचर की तो बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिए। देखिए, टीचर कभी कभार ना किसी बच्चे को देखकर कुछ भी प्रिडिक्ट कर देता है, तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन वो बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। और वो बच्चा रिमेंबर करता है उस टीचर के वर्ड को कि यार फला टीचर ने मुझे ऐसे कहा था, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, बट टूडे आई एम सो फेमस, आई एम सो वेल्दी, आई एम सो रिच, आई एम सो इंटेलिजेंट। तो कहने का मतलब टीचर्स की बात का बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस इस सेंस मत दीजिए कि जब वो आपको बैड विश देता है, जब आपको कोई बद्दुआ टाइप का कहता है, तो उस पर कतई में ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ तुमको गोड करता, तुमको इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए टीचर ऐसा बोलते हैं, और तभी आप कुछ डिटरमाइन करते हैं कि अब मैं टीचर की बात को लेकर कुछ करके दिखाऊंगा। तो यहां इनके हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा अपने लाइफ में कुछ भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर ले, लेकिन इसको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन उसने 6 इयर्स पर वायलिन बजाना सीख लिया था और बहुत फेमस थ्रू ऑल हिज लाइफ, थ्रू आउट ऑल हिज लाइफ ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द वायलिन, उसकी मदर ने कहा, और उसने ऐसा करके दिखा दिया। और उसके बाद स्कूल से इसकी नहीं पटती थी भाई,
स्कूल का डिसिप्लिन, स्कूल के टीचर्स, इतना सब कुछ उसने स्कूल ही लेफ्ट कर दिया 15 ईयर्स पर, हमेशा के लिए ही लेफ्ट द स्कूल। और उसके बाद वो जा करके उनकी मुलाकात जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में, मिलेगा मैरिक से होती है और उसको एक क्लेवर क्रीचर कहते हैं, कहते हैं जहां सारे लोग फिलिस्टीन है, फिलिस्टीन मतलब जिनको पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं ज्ञान बुद्धि से, वहां पर ये क्लेवर क्रीचर है। और वास्तव मिलेगा मैरिक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, इन दोनों में लव हो जाता है, ये दोनों मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनकी मदर अल्बर्ट की कहती है नो, उस गर्ल से आप शादी नहीं करोगे क्योंकि शी इज नॉट फिट फॉर यू, क्योंकि वो आपसे 3 साल बड़ी है, शी इज ओल्डर देन यू, आप उससे शादी नहीं करिए, शी इज लाइक ए बुक फॉर यू, तुम्हारे लिए बुक के समान होगी और कुछ नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टीन बाद में मैरिज करते हैं, हालांकि मैरिज वास्तव में इनकी हैप्पी नहीं रहती है, क्योंकि मैरिज इसलिए हैप्पी नहीं रहती क्योंकि वो जो मिलेवा है उसको लगता है कि मेरा अपना इंटेलिजेंस कहां जा रहा है, और इसी पर दोनों बड़ी फाइटिंग होती है, इतनी फाइटिंग होती है कि अंत में डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होता है तो उसी साल, हालांकि उनके 2 सन्स हैं, 2 पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उनका डाइवोर्स हो जाता है। और उसके बाद वो फिर एल्सा अपनी कजिन से शादी कर लेते हैं अल्बर्ट। इसके बाद वो एक पेटेंट ऑफिस में, जहां पर लोग अपना पेटेंट करवाते हैं, पेटेंट मतलब होता है जब कोई चीज आप इन्वेंट करते हैं तो उस पर एक अधिकार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके नाम से वो चीज पेटेंट हो जाती है, उस पर आप ही का अधिकार होता है। तो पेटेंट ऑफिस में जब काम करते थे तो सबके पेटेंट करने की जब आते थे, माने एक्सपेरिमेंट्स या इन्वेंशंस डिस्कवरीज जो भी आते थे, पेपर्स आते थे, तो वही बीच में अपना भी ये आइडिया लगाते थे और सीक्रेटली बिना किसी को बताए। एक बात तो मुझे भी अच्छी लगती है, जीवन में कोई काम ना सीक्रेटली करने के बाद ना, कहते नहीं कि मेहनत इतनी सीक्रेटली करिए कि जब सफलता मिले तो शोर मच जाए, लेकिन मेहनत जोर लगा के करिएगा। तो वो अपना भी पेपर्स वहां पर पब्लिश करते हैं, और एक दिन वो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पब्लिश करवाते हैं तो ही बिकम्स वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। इनके बारे में स्टोरीज ही स्टोरीज भरी हुई हैं, और इन्होंने एक फार्मूला दिया था E=mc2। उसमें इन्होंने रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत को बताया था कि जैसे किसी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, निहायत ब्यूटीफुल गर्ल से अगर आप बात करिए 2 घंटे तो आपको लगेगा कि आपने 2 मिनट बात किया, लेकिन अगर आपको किसी जलते हुए तावे पर एकदम रेड हो जाए और उस पर आपको 2 मिनट बैठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि आपने 2 घंटे बैठे। यही सापेक्षता है, यानी लड़की से 2 मिनट बाद 2 घंटे बात करिए तो 2 मिनट लगेगा, और किसी जलते हुए तावे पर बैठा दिया जाए, गर्म तावे पर 2 मिनट बैठाया जाए तो आपको 2 घंटे लगेगा। कहा यही सापेक्षता, दिस इज रिलेटिविटी। साइंस में आप इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन उनके अनुसार यही डेफिनेशन थी, E=mc2। उसके बाद ये चूंकि जर्मनी में थे और वहां पर उस समय हिटलर थे, और जब नाजीज उनकी पार्टी थी, नाजी पार्टी का जब रूल आया कि इनको वहां से फ्लाई करना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि वो ही वाज जस्ट लाइक ए एकदम अत्याचारी शासक था, और वो ढूंढ ढूंढ करके इनको यहूदियों को ही वाज किलिंग, तो इनको भी भागना पड़ा, ये अमेरिका आ जाते हैं। और अमेरिका में आकर के उसी समय उनको पता चलता है कि ज्यूरिख में, मतलब वहां पर स्विट्जरलैंड में, किसी ने बर्न नामक स्थान पर बताते हैं कि देयर वाज डिस्कवरी ऑफ एटम बम, एटमिक फ्यूजन की खोज हो गई है जिससे एटम बम बनाया जाएगा, और ये बहुत बड़ा
डिस्ट्रक्शन ला सकता है वर्ल्ड में। स्पेशली अमेरिका के जो कोर्ट्स थे उन्होंने कहा कि अगर ये बम वो नाजीज बना लेते हैं और अमेरिका में गिरा देते हैं ना, तो आपके सारे कोर्ट्स और बहुत सारी टेरिटरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय वहां के प्रेसिडेंट थे, वो अमेरिका के लोग तो डर गए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने तुरंत कहा कि अपने यहाँ के साइंटिस्ट से कि आप लोग भी एटम बम बनाइए, और एटम बम बनाना शुरू हो गया। और सेक्रेटली अमेरिका ने एटम बम बना लिया, उसको ले जाके टेस्ट भी कर दिया अगस्त 1945 में जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिराया उसका नाम था फैट मैन। दो बम गिरा दिया। उस बम की डिस्ट्रक्शन को देख कर ना हमारा ये आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने सैड हुए, कहा वो नो, मैंने क्या सोचा और क्या हो गया ये। उसके बाद से ही बिकेम वेरी सैड। उनकी एक लेटर का इतना बड़ा प्रभाव, उन्होंने कहा नो 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 नो, साइंस इसके लिए नहीं है, साइंस इसके लिए नहीं है, साइंस इज नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उन्होंने तुरंत यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा कि प्लीज एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि वर्ल्ड में इस तरह की तबाही को रोका जा सके। ये जो आर्म्स बिल्डिंग हो रही है, हथियार बनाए जा रहे हैं, अंधाधुंध हथियार बनाए जा रहे हैं, इन सबको स्टॉप किया जाए, इन सबको रिड्यूस किया जाए। लेकिन उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया गया, इट वॉज पेड नो अटेंशन। भाई वो लेटर लिखे तो अमेरिका ने ध्यान दे दिया, लेकिन अब वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने या किसी वर्ल्ड ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो सच वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट यार, ही वॉज सच ए ग्रेट साइंटिस्ट। और उसके बाद 1955 में एट द एज ऑफ 76, 76 साल की आयु में हमारा ये ग्रेट साइंटिस्ट जीनियस डाइज, चले जाते हैं इस दुनिया से हमेशा के लिए। और जब मरते हैं तो उनको सेलिब्रेट किस रूप में किया जाता है कि ही वॉज अ विजनरी वर्ल्ड सिटीजन एंड ए साइंटिफिक जीनियस। नोबेल प्राइज इनको 1921 में मिला था। तो इस तरह से इनकी यही आपके इसमें स्टोरी में बताया गया है, और इसमें इनके सारे बहुत सारी स्टोरीज इनके रिलेटेड बताई गई हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं भी आपको इनके जीवन की बताता हूं। एक बार जब ये बहुत फेमस हो गए, व्हेन ही बिकेम वेरी फेमस, ये वर्ल्ड तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देना पड़ा इनको। एक बार ये लेक्चर देने जा रहे थे, ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थक गए थे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा यार आज मूड नहीं बन रहा इतना, मैं आई एम टायर्ड, आई एम सो एग्जॉस्टेड कि आज मैं लेक्चर शायद ना दे पाऊं। तो इनके ड्राइवर ने इनसे पूछा कि क्या लेक्चर देना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हें पता है क्या? कहा हाँ, मुझे तो आपके जितना हर जगह आप ही को लेकर जाता हूं, मुझे सारे लेक्चर आपके याद है। कहा सुनाओ। वो बताना शुरू कर दिए। ओ नो, तुमको यार सारे लेक्चर्स मेरे याद है। कहा यस। तो कहा ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई आपको जानता है? तो इन्होंने आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं मुझे तो कोई नहीं जानता। तो कहा ठीक है, आपके स्थान पर मैं आइंस्टीन बन जाऊंगा जब यूनिवर्सिटी पास आएगी, और आप जाके मेरे ड्राइवर बन जाइएगा, आप आराम से सो लीजिएगा, मैं लेक्चर दे दूंगा। कहा वेरी गुड। यूनिवर्सिटी जब दिखने लगी तो ये ड्राइवर बन गए, ड्राइवर इनका आइंस्टाइन बन गया। और जब ये यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो ये तो ड्राइवर थे, ही वॉज स्लीपिंग, तो गए अपना बगल में सो गए वहीं सामने। और इनका ड्राइवर लेक्चर देना शुरू कर दिया, सारे प्रोफेसर लेक्चरर्स जितने भी लर्नेड पर्सन साइंटिस्ट से सब के सब, वाह यार क्या आइंस्टाइन। लेकिन तभी वहां पर किसी एक स्टूडेंट ने इनसे एक ऐसा क्वेश्चन इनके ड्राइवर से पूछ लिया कि उसने उस क्वेश्चन को अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। अब क्या करे, लेकिन इसी को कहते दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके ड्राइवर ने कहा यार इतने आलतू फालतू ऐरू गैरू क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो, प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस यार, ये क्या क्वेश्चंस है बताइए, समझ में तो खुद ही नहीं आ रहा, कह रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा। आप ऐसे क्वेश्चंस मेरे ड्राइवर से पूछा करिए। कहा व्हाट? कहा यस। कहा कॉल माय ड्राइवर, मेरे ड्राइवर को बुलाओ। और जब ड्राइवर से पूछा गया तो उन्होंने कहा यस आई एक्सप्लेन इट, और इस तरह से उसने इनको और स्वयं को दोनों को बचा लिया। तो दैट वाज सो ग्रेट साइंटिस्ट। बस इसका मैसेज यही है ना कि स्ट्रगल इन्होंने भी बहुत किया, इनको मैथ और फिजिक्स के अलावा
थे अच्छे सारे सब्जेक्ट में, लेकिन दो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रुचि थी इनकी। आप भी किसी अपने सब्जेक्ट में बनना चाहे तो आप एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में खूब इंटरेस्ट दिखाइए, लेकिन हर सब्जेक्ट को पढ़िए और आइंस्टाइन की तरह आप भी जीवन में शाइन करिए। बस यही इसका मैसेज है बेटा कि जीवन में ना, जीवन में जब आप फुल डिटर्मिनेशन दोगे, फुल आप अटेंशन दोगे, तो आप अपने जीवन में कुछ भी बन सकते हो। तो यही इस मैसेज का है, इस लेसन का यही मैसेज है कि आपका भी ब्यूटीफुल माइंड हो, आपके भी ब्यूटीफुल थॉट हो, जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश सब आगे बढ़े यार, नाम रोशन हो आपका, आपका, आपके मम्मी पापा, एवरीवन विल बी हैप्पी। बस इनको पढ़िए और इंस्पायर होते रहिए, मोटिवेट होते रहिए कि ये बालक जो शुरू में एक फ्रीक माना गया, एक एबनॉर्मल बालक माना गया, बाद में ऐसा निकला कि ही वॉज कॉल्ड ए जीनियस, जीनियस। तो बी जीनियस, आज का मैसेज यही है कि आप भी अपनी लाइफ में जीनियस बनिए, इंटेलिजेंट बनिए, और जीनियस बनेंगे तो भाई क्या कहने हैं, ठीक है। तो हियर आई एंड दिस लेसन, एंड आरके सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट मी, आई वेलकम। मेरा मोटो आरके सिंपल क्लासेस का, पढ़े भारत बढ़े भारत। इसी के साथ विद दिस आई एंड, ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।